वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बजट फ्रेंडली वेरी लाइट एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हरे मूंग की दाल है जो कि कुछ ऐसी नज़र आती है, साबत छिलके वाली, तो वो एक कप मैंने ली है। और रेगुलर चावल जो भी घर के होते हैं मैंने दो टेबल स्पून में साथ ही भिगो दिया और भिगोए हुए हो गए हैं 3-4 घंटे। तो इसको अब हम ब्लेंडिंग जार में डाल के पीसेंगे। इसमें डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून पानी, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 हरी मिर्चें जिसका बड़े बड़े टुकड़े कर लिए, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर टुकड़े भी डाल सकते हैं और साथ ही पिस जाएगा। और अब इसे हम कवर करके अब पीसते हैं। थोड़ा बराबर कर लेते हैं इस तरह से। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 टेबलस्पून और पानी डाल देंगे। पहले हमने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला था कि थोड़ा सा पिस जाए। चले चेक कर लेते हैं। हमें पिसा हुआ चाहिए लेकिन हल्का सा, मतलब दरदरा टाइप का, ग्रेनी टाइप का, तो चेक करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसे अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अभी ये थिक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे लेकिन पीसने में ज़्यादा पानी होगा तो अच्छा नहीं पिसता है, इसलिए ज़्यादा नहीं डाला था। तो हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये अभी भी देखें थोड़ा सा थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 टेबलस्पून। तो ये हमने अच्छे से मिला दिया। ये देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी है। तो इस वक्त हम इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब बाय द टाइम इसकी एक झटपट सी बड़ी सिंपल सी चटनी बना लेंगे। तो यहाँ देखें हम लेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। बेसिकली हमें कलर चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए लेकिन तेज़ ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये 2 टेबलस्पून चली गई। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर, अगर ना हो तो इसकी जगह आप लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे घोलेंगे। एक थिक पेस्ट बनाना है हमें। तो यहाँ हमने 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के दही। अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको थोड़ा सा थिन करेंगे तो 1 टेबलस्पून और पानी डालेंगे। ये ऐसी चटनी है ना कि जितनी सिंपल है ना इतनी मज़ेदार सी है। और अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल। कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं सरसों वगैरह के अलावा, मेरा ऑलिव ऑयल है। तो ये रेडी हो गई। तो यहाँ देखें 10 मिनट हो गए, हमने तवा रख दिया जो कि मीडियम हाई पर रखा है। बैटर को देख लेते हैं और ये काफ़ी थिक है अभी हमारा बैटर, तो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर देते हैं। तो यहाँ अराउंड 2 टेबलस्पून पानी डालते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी हमारी सही है। तवा जो है वो गर्म हो गया है, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे
और इसको पोंछ लेंगे। देखिए तवा अच्छा से गर्म है हमारा, ऑयल लगा के पोंछ लिया है। और अब चूल्हे को स्लो करेंगे और इसके ऊपर पानी का छींटा डालेंगे। पहले हमने गरम अच्छे से कर लिया, लेकिन अब इसे हमें ठंडा करना है ताकि डोसा हमारा चिपके। कोई सा भी एक चम्मच लेंगे और इस तरह सेंटर में डाल के और उसको फैलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होते हैं क्योंकि मूंग की दाल के होते हैं तो। और आप चूल्हे को दोबारा मीडियम लो कर देंगे और सून आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। अब पहला डोसा जो है हमेशा थोड़ा सा ओके बनेगा क्योंकि तवा और जो बैटर जो डाल रहे हैं उनकी दोस्ती नहीं होती है, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जब डालते हैं तो अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, जैसे रोटियों में भी तो ऐसा होता है ना, अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी तो अच्छे बनते जाएंगे। लेकिन आप इमेजिन करें कितना सिंपल और बजट फ्रेंडली और इतना क्रिस्पी करारा मज़ेदार सा होगा, आप लोग खुश हो जाएंगे। जब ये ऊपर से ड्राई हो जाए ना, जब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, अगर आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, आसपास भी थोड़ा सा छिड़क देंगे। तो अराउंड हम 2-2.5 मिनट के आसपास इसे सेकेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये एजेस जो है वो हल्के हल्के आपको ब्राउन दिखेंगे इस पॉइंट पर। ये जब आप यूँ करेंगे तो ये आराम से इस तरह से हो जाएगा। और अब सेंटर से भी आपको यहाँ हल्का हल्का ब्राउन होता हुआ नज़र आएगा। आप एक कोने से यूँ लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। यूं निकालते जाएंगे। सेम इसी तरह से अगेन, गरम है ना पैन हमारा, तो चूल्हे को थोड़ा स्लो करेंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। और वाइप कर लेंगे। तो एवरी डोसे के वक्त आपको ये करना है, तवा गरम चाहिए लेकिन ठंडा चाहिए। और सेम इसी तरह से बैटर लेंगे और यूं फैलाएंगे। और जब फैल जाए तब चूल्हे को दोबारा मीडियम कर दें, मीडियम या मीडियम लो। तो बस इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए क्रिस्पी करारे हमारे डोसे बन के उतरे हैं और ये अंदाजन हमारे बन जाएंगे 12 के आसपास। इस वक्त मैंने गर्मा गर्म इस तरह से उतारे हैं क्योंकि फिर ठंडे हो के मज़ा इतना नहीं आता। सुनाएगी तो मैं दोबारा बनाऊंगी। और ये रही हमारी लहसुन की चटनी और इसके साथ खाएंगे, मज़े करेंगे, पागल छायल हो जाएंगे, बजट फ्रेंडली मज़ेदार सा। तो देखा कैसे झटपट एक कप मूँग की दाल में ढेर सारे हमारे डोसे बन गए और वक्तन वक्तन बनते ही जाएंगे। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। तो सबसे पहले ये चटनी, ये देखें क्रिस्पी सा। माइंड ब्लोइंग। आप लोग को यकीन नहीं आएगा ये जितना सिंपल है, इतना ख़तरनाक है। और उसमें ये जो लहसुन की चटनी है, मतलब देखने में लाल लाल और तीखी भी नहीं। डोसे का क्रिस्पीपन। कुछ नहीं डाला आपने, देखा कि भाई ये कर लिया वो कर लिया, राइस करने के लिए रख दिया, ये कोई भी चीज़ भी नहीं। सिर्फ ये कि हमने 2 टेबल स्पून चावल डाले ना, उससे क्रिस्पीनेस आती है। और ये बस याद रखिएगा कि अच्छे से भिगो दें, और अगर टाइम नहीं है तो जैसे 3 घंटे अगर भिगोना है तो गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो दें,
अदरवाइज 4-5 घंटे होंगे तो बेस्ट रहेगा और मज़ा आ जाएगा। और बनाने के लिए बस यही याद रखें कि पैन जो है वो गर्म होना चाहिए और डालते वक्त ठंडा होना चाहिए, तो उसको ठंडा करके डाल दें ताकि वो चिपके अच्छे से और फिर तेज़ कर दें। वेरी सिंपल, तो बनाना बनता है और आप लोगों के लिए एक ख़तरनाक और बाइट भी बनता है। मज़ा आ गया, कोई कह ही नहीं सकता कि हरी मूंग की दाल से इतना ख़तरनाक सा ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में बनाएं, सफ़र में बनाएं, जब भी दिल चाहता है बनाएं, लेकिन बनाएं, हाईली रिकमेंडेड। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।